ये तस्वीरें हैं सोहना के तावडू रोड की, जहां सोमवार को तेज रफ्तार दो ट्रकों ने कोहराम मचा दिया। सुबह करीब 2 बजे एक ट्रक जहां सड़क किनारे रखे खोखों को तोड़ता हुआ एक मकान में जा घुसा, तो वहीं इसी के नज़दीक एक ट्रक गोदाम की छत पर जा चढ़ा। जानकारी के मुताबिक जिस मकान में ट्रक घुसा उसमें कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दूसरी तरफ जिस गोदाम की छत पर ट्रक चढ़ा उसके बिल्कुल नज़दीक मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। गनीमत रही कि यह ट्रक गोदाम की छत पर ही लटक गया, यदि ये नीचे गिर जाता तो कई मजदूर दब सकते थे। स्थानीय निवासियों की जुबानी सुनिए बेलगाम ट्रकों के कहर की दास्तान। रात को करीबन 2:30 बजे करीब गाड़ी आई, दुकान तोड़ते हुए मेरा खोखा तोड़ा, जिसमें करीबन 1.5 लाख का नुकसान कर गए। पूरा खोखा खंडित हो गया, लोहे का खोखा था मेरा, टेंट का सामान पड़ा था, तो यहाँ टेंट का सामान पड़ा था वो पूरा खंडित कर दिया। तो पता चला है कैसे एक्सीडेंट है, ड्राइवर क्या कह रहा था, कुछ बताया कुछ ड्राइवर? ड्राइवर हॉस्पिटल में एडमिट है, बोलने की कंडीशन में नहीं है। कितनों को चोट लगी इसमें? ड्राइवर को ही चोट लगी। और इसमें करीब नुकसान कितने का क्या क्या हुआ? यहाँ पे एक तो दुकान थी वो तोड़ दी पूरी, टेंट का सामान रखा था बाहर वो खराब कर दिया पूरा, खोखा तोड़ दिया। मेरा खोखा रखा था लोहे का, एक वो तोड़ दिया और एक लकड़ी का खोखा था वो तोड़ दिया था। तो इसमें पुलिस को कोई शिकायत करी अभी तक आपने? सर मैं कंप्लेंट लेके गया था। फिर क्या कह रही है पुलिस? पुलिस वाले कह रहे हैं कि सबकी कंप्लेंट पहले आप जमा कर दो, इकट्ठी ही दर्ज हुई। ऊपर से पार्ट ऊपर से आया था, इसमें पत्थर ज्यादा भरा हुआ था रेता जी, और इसमें ओवरलोड जैसे इसके ब्रेक नहीं लगे और यहाँ पर हमारा माल खा जाता था, आदमी इसमें निट बचे। अच्छा जी, करीब कितनी दीवार तोड़ी, कितना नुकसान हुआ आपको? तकरीबन 2 से 2.5 लाख का नुकसान है। तो यहाँ पर लेबर भी काम कर रही थी? लेबर यहाँ पर, गाड़ी भी खाली हो रही थी जी। वो तो आदमी बच गए, भग गए दूर, एकदम देख के। तो इसमें शिकायत करी कोई पुलिस को? पुलिस में एप्लीकेशन दे दिए। तो इसमें पता चली हादसा हुआ कैसे, कुछ ड्राइवर ने कुछ बताया इसमें? अभी तो ड्राइवर ने कुछ बताया, उसने शायद वो सुल्पा पी रखा था, नशे में था। नशे में। आपको बता दें कि तावडू रोड पर रोजाना तेज रफ्तार से ट्रक तोड़ते हैं, जिन पर काबू पाने के लिए ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन कोई कदम उठाता है। इनकी तेज रफ्तारी की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं गनीमत रही कि आज जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनकी तेज रफ्तार ने मकान और गोदाम मालिक का लाखों का नुकसान कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जाँच में जुटी है। सोहना से संजय राघव, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।